आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो तरह के अचार की रेसिपी। आज हम लसौड़े का अचार बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको भरवा भी बनाया है और प्लेन भी बनाया है। आप सभी जानते हैं कि लसौड़े का अचार टेस्टी होने के साथ साथ बहुत सारे औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है और आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर लसौड़े का अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो ये लसौड़े, इन्हें लभेड़े भी कहते हैं, ये लिए हैं। राजस्थान का बहुत ही फेमस ये अचार है, गुच्छे के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम चेक करके ले लेंगे, जो लसौड़े हैं हमारे एकदम फ्रेश होने चाहिए। अगर कहीं भी आपको ये दबा हुआ या ख़राब दिख रहा है तो उसको आप छांट के अलग कर दें। बस हमें ध्यान रखना है कि इनको कैप सहित ही तोड़ना है। आप चाहे तो इनको गुच्छे के रूप में ही उबाल सकते हैं, अगर इनको अलग करना चाहें तो इस तरह से स्टेम सहित हमें अलग करना है। इनकी जो कैप है बिल्कुल भी हमें अलग अभी नहीं करनी है, इसको हम बाद में अलग करेंगे। और इस तरह से अगर तोड़ने में आपको प्रॉब्लम हो, ये देखिए आसानी से नहीं ये टूटते हैं, अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप इनको नाइफ़ से भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन स्टेम के साथ ही इनको कट करना है। पानी में मैं यहाँ पर डालती जा रही हूँ क्योंकि हम इनको अच्छे से धोएंगे। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ से कट करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। बस ये ध्यान रखना है कि इनकी कैप न निकले, हमें स्टेम सहित ही इनको कट करके एक बर्तन में डालते जाएंगे। ये देखिए मैं बार बार से आपको वीडियो में बता रही हूँ, अगर इनकी कैप निकल जाएगी तो जो आपका अचार है वो साल भर तक सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि जो आपका अचार है वो भी एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए स्टेम सहित हमने इनको कट किया है। अच्छे से हम इनको धो लेते हैं जिससे कि इनमें जो डस्ट वगैरह है वो सब निकल जाए। तो एक बर्तन में पानी हमने पहले से गर्म करने रख दिया था, आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ गया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो जो लसोड़े हमने धो के तैयार किए हैं उनको हम इस बर्तन में डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा सा लेना है जिससे कि अच्छे से ये डूब जाएं। तो अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लगभग पकाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, और ये ध्यान रखना है कि जो इनकी कैप है वो अलग ना हो। तो सावधानी से हम इनको पकाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक लसोड़ा चेक कर लेंगे, हल्का सा जब ये दबने लगेगा, ये देखिए बहुत हल्का सा ये दबे तो आप समझ जाइए कि उबल गए हैं, कलर इनका पहले ही चेंज हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम एक चलनी के ऊपर फटाफट से निकाल लेंगे। और अब हम इनको एक प्लेट में, थाली में, ट्रे में फैला देंगे। अगर आप ज़्यादा अचार बना रहे हैं तो इनको एक साफ़ धुले हुए कॉटन के कपड़े पर फैला के 1 घंटे के लिए धूप में रख दें, जिससे इनका पानी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इनको 1 घंटे के लिए धूप में रखा था, ये देखिए आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है, नहीं तो जो आपका अचार है वो मैच्योर होने में टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इनका मॉइस्चर निकल गया है, ठंडे हो गए हैं ये। तो अब हम इनकी कैप को हटा लेंगे, ये देखिए इनमें कैप अभी तक बराबर से लगी हुई है। तो इस तरह से हम सारी कैप हटा के ये लसौड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारी कैप हमने निकाल दी हैं और लसौड़े हमारे ये तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम दो तरह का अचार बना रहे हैं तो इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक प्लेट को हम साइड कर देते हैं, एक प्लेट हमने ले ली है। तो अब हम इस तरह से एक लसौड़ा लेंगे और उसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो जो इसकी गुठली है वो आसानी से निकल जाएगी। इसको हम अलग कर लेंगे, ये देखिए बीच में हमें खाली ये लसौड़ा मिल रहा है मसाला भरने के लिए। तो इस तरह से जो भरवा अचार है वो भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए हल्का सा हम प्रेस कर रहे हैं और आसानी से जो इसका बीज है वो निकल जाएगा, ये देखिए। तो इसी तरह से हम सारे लसौड़े तैयार कर लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो आधा पार्ट हमने लसौड़ों का लिया था ये हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसकी गुठली निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बीज हम इनको साइड कर देंगे। और जो दूसरे हमने लसौड़े लिए थे उनको भी तैयार कर लेते हैं। तो बस उनको हमें ये करना, हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि इसमें मसाले के लिए थोड़ी सी जगह हो जाएगी और इसमें मसाला अंदर तक जाएगा। ये देखिए हल्का सा प्रेस कर रहे हैं, आसानी से हो जाता है। तो ये सारे लसौड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये वाला जो अचार है ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। नॉर्मली इसी तरह का लोग अचार बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ये तैयार कर लिए हैं। तो अब मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस पर हमने पैन रखा, 1 चम्मच डाला है हमने मेथी दाना और 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। अजवाइन आप इसमें थोड़ी सी ज़रूर ऐड करें। धीमी गैस पर हम इनको भून लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें भुन जाएंगी तो यहाँ पर 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा और इसको भी हम कुछ सेकंड भून लेते हैं क्योंकि पैन गर्म है, जल्दी से ये भुन जाएगा। जैसे ही जीरा भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं इनको भूनना है। यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने ली है सौंफ। अचार में सौंफ का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी हम कुछ सेकंड भून लेते हैं।
गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। पैन अभी काफ़ी गर्म है, ये जो मसाले भी गर्म है, तो इसमें 5 से 6 चम्मच हम डाल देते हैं सरसों, और सरसों को हम इस गर्म पैन में ही हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तो जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएंगे, इनको एक मिक्सी जार में हम डाल के दरदरा पीस लेंगे। इनका हमें फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको मैंने दरदरा ही पीसा है। तो अब हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल, जो भी आप बर्तन ले वो भी पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कलौंजी, जिसे हम प्याज के बीज भी कहते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, सिर्फ अचार के कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच के लगभग हींग। यहाँ पर 4 चम्मच में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सारे मसाले मैंने इस चम्मच से नाप के लिए हैं, तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो तेल यहाँ पर मैंने कच्चा ही यूज़ किया है, आप गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच के बराबर मैंने इसमें सरसों का तेल यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमें ये अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर यानी सिरका। तो 1 बड़े चम्मच के बराबर मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। आप थोड़ा सा सिरका ज़रूर ऐड करें, उससे जो आपका अचार है वो साल भर तक सुरक्षित रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर हमने एक कांच का जार लिया है, इसको अच्छे से धो के धूप में सुखा के पूरी तरह से ठंडा कर लिया है, यानी स्टरलाइज कर लिया है। तो सबसे पहले हम भरवा अचार बनाएंगे, जिनका हमने बीज निकाल के तैयार किया है। तो अब हम इस मसाले को अच्छे से इसमें स्टफ़ कर लेंगे। अच्छे से स्टफ़ करना है, एक्स्ट्रा मसाला हम निकाल देंगे, ये देखिए। तो इसको हम इस जार में डालते जाएंगे। दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी जगह है, मसाला आसानी से इसमें स्टफ़ हो जाएगा। तो अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसमें मसाला भरेंगे, ये देखिए। तो इसी तरह से हम ये अचार बना के तैयार कर लेते हैं, इसको हम जार में डालते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो भरवा लसौड़े का अचार है ये बन के तैयार है। तो ऊपर से हम इसके ऊपर डालेंगे 1/2 कप के बराबर सरसों का तेल। ऊपर से तेल आप ज़रूर ऐड करें, जिससे कि जो अचार है हमारा ख़राब नहीं होगा। अब हम इसका ढक्कन लगा के इसको 4 से 5 दिन हम धूप में रखेंगे, दिन में 1 से 2 बार इस तरह से हिलाते रहेंगे। तो 5 दिन के बाद हमारा जो अचार है ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हम जो प्लेन वाला अचार है वो भी बना के तैयार कर लेते हैं, ये देखिए, जिसमें कि गुठली है जो हमने हल्का सा प्रेस किया है। तो इसको अब हम बचे हुए मसाले में इस तरह से डाल देंगे इसी बोल में, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये वाला जो अचार है ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मसाला हमने अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कि देखने में कितना बढ़िया ये अचार लग रहा है। तो इसको स्टोर करने के लिए भी मैंने एक चीनी मिट्टी का कंटेनर लिया है, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसको हम इस कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इसको भी मैंने स्टरलाइज कर लिया है, यानी गर्म पानी से अच्छे से धो के तेज़ धूप में सुखा के पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। तो इस अचार को हम इसमें स्टोर कर लेंगे। तो ये देखिए, जो प्लेन वाला हमारा अचार है ये भी हमने बना के तैयार कर लिया है। तो इसमें भी हम 1/2 कप के बराबर ऊपर से ऑयल डालेंगे, जिससे जो हमारा अचार है जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ढक्कन लगा के इसको भी हम 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे, दिन में 1 से 2 बार इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। तो 4 से 5 दिन के बाद हमारे ये दोनों अचार मैच्योर हो जाते हैं, खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ढेर सारे औषधीय गुणों से भरपूर हमारा जो लसौड़े का अचार है, टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद है। तो ये लसौड़े का सीजन चल रहा है, आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।